तो दोस्तों हमारे मोबाइल के गैलरी में बहुत से अच्छे फोटोज़ होते हैं जिसे कि हम लोग एज ए रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी गैलरी के मल्टीपल फोटोज़ को सेलेक्ट करके उसको एज ए रील्स वीडियो पोस्ट कर सकते हो विथ म्यूज़िक एंड ट्रांजिशन। और इसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग्स भी बताऊँगा जिससे कि आप अपने रील्स वीडियो को हाईएस्ट क्वालिटी में पोस्ट कर सकते हो। अर्थात पोस्ट करते समय ही कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो कि आपको ऑन रखना होता है। और तो और यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा सेटिंग बताऊंगा जिसके चलते आपका रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पे तो रिकमेंड किया ही जाएगा, साथ ही साथ आप उसको अपने फेसबुक अकाउंट पे भी रिकमेंड करवा सकते हो। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से समझिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम ऐप ओपन करोगे। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद बॉटम साइड में आपको अपना प्रोफाइल दिखता है, इस पर टैप करना है। अपने प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको इस प्लस वाले बटन पर टैप कर देना है, उसके बाद रील्स पर टैप करना है। इस तरह से आपका कैमरा ओपन हो जाता है। तो चूंकि आप अपने फ़ोटो को एज ए रील्स वीडियो पोस्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे इस पर टैप करके अपनी गैलरी के फ़ोटो को सेलेक्ट कर लोगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे आप कर सकते हो। फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग म्यूज़िक अर्थात ऑडियो सजेस्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप सुन सकते हो। अगर आप कोई दूसरा म्यूज़िक सर्च करके ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो सर्च करके। इसके अलावा और भी यहाँ पे आपको सजेस्ट कर दिया जाता है। तो जो भी मुझे सजेस्ट किया गया है मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ, नेक्स्ट पे टैप करना है। तो दोस्तों अभी अब आपको ध्यान से समझना है क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको दो फोटोज़ के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई करना है जिससे कि आपका वीडियो और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके लिए आपको एडिट क्लिप्स पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप और भी ज़्यादा फोटो ऐड करना चाहो तो ऐड क्लिप पे टैप करके फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हो। आपने जो भी फ़ोटो सेलेक्ट किया है उसका अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अर्थात फ़ोटोज़ को आगे पीछे कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे कि हर फोटो का लेंथ अलग अलग है, जैसे कि इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ कम है। तो कुछ फ़ोटोज़ ज़्यादा देर तक दिख रहा और कुछ फ़ोटोज़ कम लेंथ का है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली फ़ोटो के ऊपर सेलेक्ट करके उसका लेंथ सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया तो ये फ़ोटो मेरे वीडियो में अर्थात मेरे रील्स वीडियो में 2.75 सेकेंड तक दिखेगा, तो मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। तो ये 4.8 सेकेंड तक है, मैं इसको भी कम कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप ड्यूरेशन को अपने हिसाब से सेट कर लोगे, जिसको जितना दिखाना हो उतना ड्यूरेशन का सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग, कैसे आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको हर फोटो के साइड में ये लाइन दिख रहा होगा और दो फोटोज़ के बीच में भी ये लाइन दिख रहा, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करते हो यहाँ पे आपको वायरल टाइप के ट्रांजिशन दिख जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस ट्रांजिशन को अप्लाई करता हूँ तो देख सकते हो किस तरह से फ़ोटो अपीयर हुआ। अगर मैं ये ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ तो इस टाइप से फ़ोटो अपीयर होगा। आप इसी तरह से अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको 6-7 टाइप के ट्रांजिशन मिल जाते हैं, ये रोटेटिंग टाइप का है और ये भी अच्छा है। तो यहाँ से मैं ट्रांजिशन इसको फाइनल कर देता हूँ। अब आपको हर फोटो के बीच में इसी तरह से उसके ऊपर टैप करके ट्रांजिशन अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो फोटोज़ के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है और स्टार्टिंग और एंड में भी ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है। अब आपको सिंपली नीचे की तरफ स्वाइप करना है। अभी भी अगर आप चाहो तो म्यूज़िक चेंज कर सकते हो या फिर नया म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, स्टिकर ऐड कर सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो, इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फ़िल्टर वगैरह आप यहाँ से स्वाइप करके भी लगा सकते हो। आप चाहो तो अपने बनाए हुए रील्स वीडियो को सेव भी कर सकते हो गैलरी में। आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अभी आपको ध्यान से समझना है क्योंकि मैं आपको पोस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और कुछ ऐसे सेटिंग्स जिससे आपका रील्स वीडियो हाई क्वालिटी में पोस्ट होगा। यहाँ पे आपको एक कैप्शन टाइप कर देना है अपने अकॉर्डिंग और हैशटैग्स भी डाल देना है। कुछ जनरल हैशटैग्स अगर आपको चाहिए तो आप गूगल का सहारा ले सकते हो। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र में जाके मैं सर्च करूँगा वायरल हैशटैग्स, उसके बाद आपको बेस्ट हैशटैग ये वेबसाइट दिखेगा, ये अच्छा वेबसाइट है, इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ जनरल
हैशटैग्स मिल जाएंगे। आप इन सबको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी हो चुका है। मैं वापस से उसी रील्स को ओपन करूँगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। आप जो हैशटैग हटाना चाहो हटा भी सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको इसे ऑन रखना है ताकि आप जब रील्स पोस्ट करोगे तो वो होम फीड्स में जाए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे आपको मिलता है, रिकमेंडेड ऑन फेसबुक, तो इसे आपको ऑन रखना है। इससे क्या होगा कि जो भी आप रील्स वीडियो पोस्ट करोगे वो आपका फेसबुक पे भी रिकमेंड किया जाएगा, अर्थात इंस्टाग्राम पे तो रिकमेंड किया ही जाएगा, फेसबुक पे भी रिकमेंड किया जाएगा, तो दोनों जगहों से आपको व्यूज़ और लाइक्स मिलेंगे। इसके अलावा एडवांस सेटिंग पे टैप करके आपको अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी इसे ऑन रखना है। तो इसको ऑन रखने के बाद ही आपका जो रील्स वीडियो आपने बनाया है वो हाईएस्ट क्वालिटी पे अपलोड होगा, अर्थात अच्छी क्वालिटी में लोगों को दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पे शेयर पे टैप करके रील्स को शेयर कर देना है। ये शेयर हो रहा।